सिरोही के आबूरोड में उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक ऑयल टैंकर में अचानक से आग लग गई। लेकिन गनीमत यहां ये रही कि टैंकर में किसी प्रकार का कोई धमाका नहीं हुआ। आपको बता दें कि आबूरोड के रिको हाईवे पर ऑयल टैंकर में अचानक से आग लगी। आग लगने की सूचना पर थाना प्रभारी चंपालाल और पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल सहित कई अधिकारी गण मौके पर पहुंचे। वहीं टैंकर में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी दौरान दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रक का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से तब तक जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।